अस्सलाम वालेकुम माय ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, इसी नेक दुआ के साथ कर लेते हैं अपने व्लॉग का आगाज। और व्लॉग का आगाज मेरा कहाँ से हो रहा है? मैं कर रही हूँ जी सबसे पहले रूम की क्लीनिंग, और सबसे पहले जी ये लपेट लेते हैं ब्लैंकेट, और उसके बाद मैं लगा लूंगी झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने कहा रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि गैस नहीं थी तो मैंने कहा इतना तक गैस भी आ जाएगी, सालन भी बनाना है। तो भाग भाग के सारे काम रोबोट की तरह करने पड़ते हैं, अकेले बंदे का यही हाल होता है कि साथ में अगर कोई काम वाला ना होना तो फिर खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने कहा सबसे पहले रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद सर्दियों के ना कपड़े निकाल के रखे थे, वो भी 3-4 दिन हो गए हैं निकाले हैं, लेकिन मैंने ना उन्हें लपेट के नहीं रखा और इतना बखेरा पड़ा हुआ है, इतना गंदा लगता है ना जब ये कपड़े बिखरे हुए होते हैं, जब मशीन लगी होती है और धुले हुए कपड़े कहीं पड़े होते हैं, कहीं अनधुले पड़े होते हैं। मुझे तो ये वाली सिचुएशन है ना बहुत बुरी लगती है। बस इसी वजह से आज मैंने कहा बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ ना, तो यहीं पर ना जो सारे कपड़े हैं सर्दियों वाले उनको ना तह लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले डिब्बे मेरे ड्राई फ्रूट्स वो तो खत्म गए हैं, इसमें मैंने ये अखरोट डाल के रखे हैं, और ये छोटू सा इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मैंने ना चनों से फिल करके रखा है, खुश्क चने। फ्रेंड्स, चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली हैं जितनी पड़ी थी, और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। इतना कोई सामान नहीं है जो मेरा बेडरूम है, तो इसमें हमने इतना बहुत सामान रखा हुआ भी नहीं है, ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, बस खुला खुला रूम जो होता है ना वो ठीक होता है, कम चीज़ें हूँ बस ज़रूरत की, तो हमने ना ज़रूरत की ही चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद कर लूँगी डस्टिंग, और उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अच्छा, डेली भी झाड़ू लगाओ ना, तो जो खुले घर होते हैं वहाँ पे जो गंद है ना वो हो ही जाता है, मिट्टी हो जाती है और भी आती है, डस्टिंग भी करनी पड़ती है, और नीचे फर्श के ऊपर भी मिट्टी हो जाती है। खैर, खुले घरों का भी अपना मजा है, बंद घरों का भी अपना मजा है, जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उस पर लाख बार शुक्र। फ्रेंड्स, बाहर से भी झाड़ू लग गया है, रूम से भी मैंने झाड़ू लगा लिया है, और अभी फटाफट कर लेती हूँ मैं इसकी डस्टिंग।
अभी ये वाला जो जार है ये खाली पड़ा है, तो जैसे ही पहली आती है ना पे आएगी तो इसको मैं फिर से भरूंगी। जो हम तनख्वाहदार तबका होते हैं ना, वो बस ऐसे ही जो तनख्वाह होती है ना उसी के इंतजार में होते हैं कि हमारी तनख्वाह आएगी तो हमने ये काम करना है, ये करना है, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर रही होती है और तनख्वाह ऐसे उड़ती है पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई है। ये पानी वाली बोतलें उठाती हूँ यहां से और रखती हूँ किचन में और इस रश को मैं ना कम करती हूँ। फ्रेंड्स से मैं आई थी इधर प्लाट में क्योंकि मैंने ना डाले हुए थे कपड़े इधर खुश्क होने के लिए। यहाँ पे ना धूप काफ़ी होती है तो मैंने कहा अपनी सब्ज़ी भी देख आती हूँ और माशाल्लाह से वाह सब्ज़ी तो मेरी उगी पड़ी है, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये देखें फ्रेंड्स छोटे छोटे ये पौधे निकले हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी सारे। पालक तो आई थिंक नहीं हुई लेकिन पता नहीं बाकी कुछ उगा पड़ा है वो क्या है ये मुझे नहीं पता। ये देखें सारे ही उगे पड़े हैं, 2-3 दिनों के बाद फिर पानी लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये छोटे हैं ना पौधे तो इस वजह से अभी नहीं लगाती, ये ना कि ये उखड़े, ये ना कि पानी ओवर ही ना हो जाए। और ये देखें फ्रेंड्स जो इधर मैंने खेलियों में लगाए थे पौधे ये भी हुए पड़े हैं, ये देखें कैसे मिट्टी को चीर के निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें सारे हुए हुए हैं। मुझे उम्मीद वैसे काफ़ी ज़्यादा थी कि ये पौधे हो जाएंगे और हो भी गए हैं, ये देखें अल्लाह खैर करे। अभी ये धनिया नहीं हुआ अभी तक तो ये भी उग जाएगा इंशाल्लाह जी। कपड़े उतारते हैं, कपड़े काफ़ी देर हो गई यहाँ पे मैंने लटकाए थे, ये ना कि इनका कलर ही उड़ जाए। तो ये खुश्क हो गए हैं आई थिंक,